हेलो एवरीवन, आज आप लोग को मैं चूहे रिएक्शन बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ रिएक्शंस में देखते हैं। अल्कोहल लेते हैं, इस अल्कोहल में अगर देखेंगे तो OH और ये जो हाइड्रोजन है इसके बगल वाले, यानी इसको बीटा हाइड्रोजन कहेंगे, तो ये हमारा जो है सेम साइड में है। इस पर हमारा जो रिएजेंट जो है यूज करते हैं सोडियम हाइड्राइड, कार्बन डाइसल्फाइड, मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेज में है OH से रिएक्ट करता है, तो जेंथेट ये जो कंपाउंड है जेंथेट का फॉर्मेशन होता है और फिर ये हमारा जो ग्रुप है वो बन के यहाँ से हटेंगे और यहाँ से H, यानी दोनों सेम साइड से यहाँ पे दोनों का एलिमिनेशन होता है। तो इसके बाद हमें क्या बनते हैं, यहाँ पे अल्कीन बनते हैं, अल्कीन बनते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म देखते हैं, उसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म में देखते हैं, सबसे पहले क्या है कि ये हमारा OH है और यहाँ पे NaS इसका रिएक्शन होता है। तो जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये जो है H प्लस यहाँ से हमारा अलग हो जाता है, यहाँ से हमारा जो है H, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा O माइनस जो है हमारा यहाँ पे बन जाता है इस तरह से। तो NaH का काम है यहाँ से OH से हाइड्रोजन को हटा देना, रिमूव कर देना। उसके बाद नेक्स्ट इसे कार्बन डाइसल्फाइड से इसका रिएक्शन होता है। तो ऑक्सीजन का जो निगेटिव है ये कार्बन पे, कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा और उसी समय यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा सल्फर पे, तो इस पर क्या जाएगा निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, इसलिए कार्बन और ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना देते हैं। तो देखिए ये ऑक्सीजन से ये कार्बन ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये जो एस है इसको लिखे हैं डबल बॉन्ड एस। और इसी समय यहाँ जो एस माइनस आया तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप इस सल्फर के साथ अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे बन जाएगा SME। तो इसी कंपाउंड, इसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, जेंथेट कहते हैं। ये जेंथेट इसको जो है इलिमिनेट हो जाता है। तो अब देखिए इलिमिनेशन कैसे होता है, जब इसको हीट करते हैं, यहाँ पे हीट किया जाता है 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा ये जो है इसके इस कार्बन के बाद जिससे हमारा ये जो जेंथेट ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन का बीटा पोजीशन देखेंगे। तो यहाँ पे बीटा पोजीशन यहाँ भी है इधर भी है, लेकिन अभी यहाँ फिलहाल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे दोनों साइड का। तो ये जो बीटा पोजीशन है यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा एबव द ग्रुप, एबव द प्लेन है, ये भी एबव द प्लेन है, दोनों सेम साइड में होना चाहिए। अगर ये बिलो द प्लेन तो ये भी बिलो द प्लेन होना चाहिए। तो हीट करने पे क्या होता है, यहाँ पे एक 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनता है। कैसे, तो देखिए ये पाई बॉन्ड जो यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये H और सल्फर के बीच में बॉन्ड, तो अगर काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा सल्फर, अगर 1 पोजिशन 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो चूंकि रिएक्शन में 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये H के साथ, उसी तरह से यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो ब्रेक करके यहाँ आएगा तो यहाँ सिंगल है, क्या हो जाएगा डबल, और ये बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो हमारा ये जो है O- के रूप में निकल जाएगा और ये SH ये बन के अलग हो जाएंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये जो है अल्कीन बन जाएगा। देखिए R C, इसमें एक H है तो H डबल बॉन्ड और H और R-, ये हमारा फॉर्मेशन होता है। तो अब देखिए इसमें हमारा इलिमिनेशन जो है सेम साइड से हो रहा है, और इलिमिनेशन कब होता है जब इसको हीट करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है पायरोलेटिक सिन इलिमिनेशन और बीटा हाइड्राइड इलिमिनेशन। यानी हमारा यहाँ जो इलिमिनेशन होता है बीटा हाइड्राइड होता है, हाइड्राइड के फॉर्म में, और ये हमारा कितना मेंबर रिंग हो गया, हमारा 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अब देखेंगे ये जो स्टीरियो सेलेक्टिविटी इज वेरी हाई, उसको हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। तो देखते हैं इसके बेस्ट पे कुछ एग्जांपल। अब देखते हैं ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे चुगेव रिएक्शन पे बेस्ड है। अब यहाँ पे देखिए हमारा OH है और इसका रिएक्शन कराया गया सोडियम हाइड्राइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आयोडाइड। तो सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, इसमें जेंथेट का फॉर्मेशन होगा,
तो उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जेन थेट फॉर्मेशन। इसको मैकेनिक में देखे हैं कि कैसे जेन थेट का फॉर्मेशन होता है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा क्या जेन थेट क्या बन जाता है। तो ये देखिए ऑक्सीजन है हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड एस और एस एम ई, इसका हमारा फॉर्मेशन होता है। ये हमारा जो है इस तरह, जिस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन है इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारा, इलिमिनेशन होगा। जब हीट किया जाएगा सेकेंड स्टेप इलिमिनेशन होगा। तो इलिमिनेशन में हम लोग को देखना है कि यहाँ पे मेंबर बनते हैं, सिक्स मेंबर साइक्लिक रिंग बनते हैं। तो अब देखना है कि ये जो कार्बन है इसके बीटा पोजिशन, तो आपका ये अगर अल्फा कंसीडर, ये हम लोग हमेशा अल्फा कंसीडर करेंगे, तो इसका बीटा ये हो गया कार्बन और ये भी हमारा क्या है बीटा है। लेकिन यहाँ पे बीटा पे एक हाइड्रोजन होगा, आपका मिथाइल ऑलरेडी जो है ये बिलो दी प्लेन है, डेट मीन्स इससे जो हाइड्रोजन आपका जुड़ा रहेगा वो क्या है अबव दी प्लेन। यहाँ पे हमारे दो दो हाइड्रोजन हैं, तो दो हाइड्रोजन में क्या होगा, एक हमारा होगा बिलो दी प्लेन और दूसरा क्या होगा हमारा अबव दी प्लेन होगा। तो अब इस रिएक्शन का खासियत है कि इसमें सीन एलिमिनेशन होता है। अगर यहाँ हाइड्रोजन अबव दी प्लेन है और ये ग्रुप जो है हमारा बिलो दी प्लेन है, तो यहाँ से एलिमिनेशन नहीं होगा इस बीटा पोजिशन से। हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ हमारा दोनों तरह का हाइड्रोजन है, अबव दी प्लेन भी है और बिलो दी प्लेन भी है। तो इस केस में हमारा जो दोनों सेम साइड में है ये ग्रुप और ये, तो यहाँ पर एक साइक्लिक सिक्स मेंबर साइक्लिक रिंग बनाएगा। ये सल्फर से अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपस में एक साइक्लिक रिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ये बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन के साथ ये ब्रेक कर जाएगा और ये हमारा इधर से हट जाएगा, ये ग्रुप हट जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे हमारे, इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट ये तो ऐसा ही रहेगा CH3, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं। यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड आ जाएंगे और ये जो इसमें हाइड्रोजन लगे रहेंगे वो हमारा कैसा रहेगा, अबव दी प्लेन रहेगा और ये एज सच रहेंगे हमारे। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये हमारा क्या होता है, हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव है। दैट मीन्स कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ये ग्रुप है तो यहाँ ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन रहा होगा, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हमारा ये बिलो दी प्लेन है तो ये क्या रहा होगा अबव दी प्लेन। तो यहाँ भी जो हाइड्रोजन हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, अबव दी प्लेन रहेगा। यानी जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ हाइड्रोजन का रहेगा वही यहाँ भी रहेगा। जिस तरह का यहाँ पे है स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी हमारा जो अबव और बिलो है उसी तरह का यहाँ भी बनेगा प्रोडक्ट में, इसलिए इसको कहते हैं हाईली इलेक्ट्रो सेलेक्टिव इन नेचर। अब देखिए यहाँ भी उसी तरह का है आपका, सबसे पहले यहाँ जेन थेट का फॉर्मेशन होगा, तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा अबव दी प्लेन है CH3 और इस तरह से हमारे बन जाएंगे। ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है बिलो दी प्लेन है, ये OH हमारा क्या है अबव दी प्लेन है। अच्छा अब देखते हैं हमारा ये जब फर्स्ट रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जेन थेट का फॉर्मेशन होगा, सी हमारा एस एम ई बन गया और डबल बॉन्ड एस हो गया, तो ये हमारा फॉर्मेशन होगा। अब देखते हैं इसका जो बीटा पोजीशन है, बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है ओनली वन और वो भी हमारा क्या है बिलो दी प्लेन, यानी ये अबव दी प्लेन है ये बिलो दी प्लेन है। तो हमारा अगर ये अल्फा है तो ये भी बीटा होगा, यहाँ भी बीटा, यहाँ से हाइड्रोजन हमारा नहीं निकलेगा क्योंकि इसका जो है हमारा दोनों अपोजिट कन्फिग्रेशन है, यहाँ बिलो दी प्लेन है यहाँ अबव दी प्लेन है। इस केस में देखते हैं हमारा क्या है, एक हाइड्रोजन जो है ये हमारा क्या है अबव दी प्लेन है और दूसरा क्या है बिलो दी प्लेन है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा हमारा साइक्लिक मेंबर रिंग बन जाएगा, यानी ये बॉन्ड जो है इससे जाएंगे और आपका यहाँ से ब्रेक करेगा और ये यहाँ ये जो है हमारा ऑक्सीजन पे आ जाएंगे और इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा और यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड आ जाएंगे और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है वो हमारा क्या हो जाएगा बिलो दी प्लेन हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा।
यहाँ पे CH3। तो इस तरह से देखेंगे ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया और ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री पे ध्यान देना है। ओके, थैंक यू।